उस कमीने को तो मैं जिंदगी भर तड़पा तड़पा के मारूंगा। इनका चेहरा इनके नाम से ज्यादा लोकप्रिय था। एक नई चिड़िया फंसा कर लाया हूं, अगर उसने सुन लिया तो फुर्र करके उड़ जाएगी। और याद रखिए, मेरा नाम हैरी नहीं सुधीर, सुधीर। सुधीर इनका स्क्रीन नेम था। इनका पूरा नाम भगवान दास मूलचंद लूथरिया था, लेकिन इनके सहयोगी और मित्र इन्हें प्यार से भागू कहते थे। सुधीर अपनी तीखी आवाज, लंबी मूछों और साइन बर्न्स के लिए मशहूर थे। कॉलेज के दिनों में ये सुनील दत्त से जूनियर थे। अभिनेता मैक मोहन इनके क्लोज फ्रेंड थे। सुधीर जी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1960 में आई फिल्म बारूद से स्पोर्टिंग एक्टर के तौर पर की। 1961 में आई फिल्म उम्र कैद में ये नाजिमा के साथ पर्दे पर नजर आए। 1962 में बिमल रॉय की फिल्म प्रेम पत्र में शशि कपूर और साधना के साथ ये नजर आए। और इसके बाद चेतन आनंद की फिल्म हकीकत ने इनको घर घर तक पहुंचाया। मैं ये सोच कर उसके दर से सुधीर 1968 में आई फिल्म एक फूल एक भूल में पहली बार बतौर हीरो नजर आए। इस फिल्म में इनकी हीरोइन थी जेब रहमान। मेरे दिल पे अंधेरा सा छाने लगा, आप चेहरे से चिलमन हटा लीजिए। 1969 में आई फिल्म उस्ताद 420 बतौर हीरो इनकी दूसरी फिल्म थी। दिल आवारा कर नजारा अच्छी सूरत वालों का, शाम सवेरे काम यही है हम जैसे मत वालों का, दिल आवारा। कुछ फिल्मों में सुधीर जी एज ए साइड हीरो भी नजर आए। अगर राय साहब से मैं तुम्हारा हाथ मांग लूं तो इनकार तो नहीं करोगे। सुधीर जी पर फिल्म आए गए कुछ गीत बड़े हिट हुए थे। मुझे रात दिन ये ख्याल है, वो नजर से मुझको गिराना दे। एज ए हीरो जब उन्हें काम मिलना बंद हो गया तो उन्होंने नेगेटिव रोल्स करने शुरू किए। नीता उस मुनीम की वजह से पकड़ी गई, आप नीता की जगह उसकी दोनों जवान बेटियां काम करेंगे। और इन्हें सफलता भी नेगेटिव रोल्स में ही मिली। जरा पीछे मुड़ के तो देखो, तुम्हारे जो दो बाप खड़े हैं तुम्हें 50-50 करने के। 1970 के बाद सुधीर नवकेतन फिल्म्स या देवानंद की हर फिल्म का हिस्सा होते थे। देव साहब के साथ इन्होंने ढेर सारी फिल्मों में काम किया। अपने सिने करियर में इन्होंने लगभग 260 फिल्मों में काम किया। हरे रामा हरे कृष्णा, गैम्बलर, जोशीला, हीरा पन्ना, खोटे सिक्के, मजबूर, दीवार, धर्मात्मा, विश्वनाथ, शान, कालिया, सत्ते पे सत्ता, कच्चे हीरे, विधाता, शराबी, मेरी जंग आदि इनके करियर की मुख्य फिल्में रही। इनमें से ज्यादातर फिल्मों में ये एज ए साइड विलन ही नजर आए। क्योंकि इस काम में हम सबको बराबर का खतरा है, मैं चाहता हूँ जब सुधीर जी ने कुछ फिल्मों में कॉमिक रोल भी किए थे। फिल्म खोटे सिक्के और सत्ते पे सत्ता में इनके कॉमिक रोल को खूब पसंद किया। साथ इन्होंने दर्जनों भर फिल्मों में काम किया। शाहरुख खान की फिल्म बादशाह में भी इन्होंने एक छोटा लेकिन कॉमिक किरदार निभाया था। गोविंदा की फिल्म दूल्हे राजा में भी इनके कॉमिक रोल को खूब पसंद किया गया था। सुधीर जी के करियर की आखिरी फिल्म में 2009 में आई फिल्म झूम बराबर झूम और सिंधी कॉमेडी फिल्म वाइसर ई गुम थी। अगर सुधीर जी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 70 के दशक की खूबसूरत मॉडल शीला से शादी की थी। शीला मॉडल और एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुधीर से शादी के बाद शीला के साथ एक बेहद बुरा हादसा हुआ था। एक रात तीन लोगों ने शीला के साथ रेप किया था। सुधीर जी के सौतेले बेटे अशोक बैंकर, जो कि अब फेमस राइटर बन चुके हैं और कई नावलें लिख चुके हैं, ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी मां शीला के साथ हुई इस घटनाक्रम को विस्तार से बताया था। उन्होंने कहा, उनकी मां को मुंबई पाश इलाके में स्थित बिल्डिंग उषा किरण में सेक्सुअली असॉल्ट और अब्यूज किया गया था। इस बिल्डिंग में कुछ बॉलीवुड स्टार और बिजनेस टाइकून सहित कई फेमस और रईस लोग रहते थे। एक आदमी ने बिल्डिंग के फ्लैट में इनकी माँ को एक के बाद एक ड्रग्स के डोज दिए। तीन अन्य लोगों ने इसका साथ दिया। इनमें से एक फोटोग्राफर भी था जिसने गैंग रेप की फोटो खींची थी। अशोक बैंकर की उम्र उस समय मात्र 12 वर्ष थी। अशोक बैंकर ने अपनी मां पर आधारित एक फिल्म भी बनाई थी जिसका नाम
ब्यूटीफुल एंड अगली था। इस फिल्म में बैंकर ने अपनी माँ की पर्सनल लाइफ से जुड़े कई राज खोले थे। अशोक बैंकर ने एक अन्य इंटरव्यू में बताया था कि सुधीर जी अच्छे इंसान थे। उनके 37 साल पहले उनकी माँ से शादी हुई थी। वे अलग हो गए लेकिन तलाक नहीं लिया। उन्होंने दोबारा शादी नहीं की और मुझे बताया गया कि वह मुझे अपना बेटा मानता रहा। सुधीर जी को रेस खेलने का बेहद शौक था। वे बहुत ज़्यादा रेस खेलते थे और किस्मत के धनी भी थे और हर बार जीत जाते थे। सुधीर जी ने अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट किया और बहुत सारी दौलत और प्रॉपर्टी बनाई। लेकिन उन्हें हमेशा इस बात का बेहद मलाल था कि उनकी मृत्यु के बाद इतनी मेहनत से कमाई सारी प्रॉपर्टी और दौलत का क्या होगा। सुधीर जी ने दौलत तो बहुत कमाई लेकिन जिंदगी में वे बिल्कुल अकेले थे। ना कोई ख्याल रखने वाला, ना कोई अपना और ना ही कोई उन्हें टोकने वाला था। इसलिए वे शराब और सिगरेट बहुत ज्यादा पीते थे। शराब और अत्यधिक सिगरेट के सेवन के कारण धीरे धीरे उनके लंग्स ने काम करना छोड़ दिया। अपने जीवन के आखिरी दिनों में वे बेहद बीमार हो गए थे और 12 मई 2014 को वो ये दुनिया छोड़कर चले गए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।